हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे दी जो हवन का प्रज्वलित होता है वो पापा किए, घर में जो बड़ा होता है वही करते हैं। तो यहाँ पे सब तैयारी पंडित जी कर चुके हैं, बस अब हवन स्टार्ट होगा थोड़ी देर में। तो मैं सोच रही हूँ कि आगे मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, जो जैसे होगा वैसे आप लोग देखिएगा तो अच्छा लगता है, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। तो ये मुझे देखिए क्या बोल रहे हैं, और ये साड़ी पहने तो सबको बोला कि साड़ी नहीं पहनना चाहिए मुझे, बिकॉज़ इसमें थोड़ा सा भी आग लगने से ज़्यादा डर रहता है। और यहाँ पे अमरजीत और मेरा भाई भी वेट कर रहे हैं कि हवन करने के लिए। तो हम लोग जब उठ जाएंगे तब उन लोग फिर हवन करने बैठेंगे, और कन्या लोग सब कोई आ चुका है और उन लोग वेट करवा रहे हैं बाहर। तो अभी यज्ञ होने के बाद ही कन्या पूजन होगा। बहुत जिनके घर में पहले कन्या पूजन फिर हवन होता है, हम लोग के यहाँ पहले हवन फिर कन्या पूजन, जब पंडित जी जैसे बोलते हैं वैसे ही होता है। तो उन लोग को वेट करने के लिए नीचे हॉल में बोले कि तब तक वेट करेगी उन लोग, उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे कन्या। स्वामिना महादाता तु सोमिना स्वाहा 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 भक्ता शिरुचि जापनं स्वाहा स्वाहा अब यहाँ पे हवन एक जो मंत्र होता है एक माला वो हो चुका है। उसके बाद मतलब जो और भी है उनको बैठने के लिए तो किसी को उठना पड़ता है, तो यहाँ पे ये उठ गए हैं, मेरे देवर भी उठ गए, पापा भी उठ गए, और यहाँ पे इतना ज्यादा धुआं लग रहा था कि मेरे आँख में घूंघट डाल ली। राजत कोटि रसन मोति
शिवानंद स्वामी लखत भोलानंद भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, सुखी दरबार की। हवन और आरती होने के बाद सबसे पहले हम और मतलब मेरे देवरानी दोनों जन फटाफट आके यहाँ पे कन्या लोग को जिमाने लग गए। जो कन्या पूजन होता है वो कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले खीरा हलवा से स्टार्ट की, उसके बाद से आलू और चना का सब्जी देंगे, उसके बाद फिर सभी को ही खाएगा। इन लोग को खाने के बाद ही पंडित जी खाएंगे। पंडित जी भी नहीं खाते हैं पहले, बड़े बोलते हैं कि कन्या लोग खिला लीजिए उसके बाद ही हम खाएंगे। तो और ये भी कुछ फलाहार नहीं किए थे, इनका व्रत आज नहीं टूटेगा, इनका व्रत अब नवमी के बाद ही टूटेगा। नौ रात्रि में 9 दिन का व्रत। तो इनको मैं अब यहाँ पे शाम के टाइम में सबको रेस्ट कर रहा था। रेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये बच्चों लोगों के साथ खेल रहे हैं। शाम का टाइम हो रहा है अभी, तो इनका मूड हुआ था खेलने का और इनका आज और हालत ख़राब हो गया है। लास्ट डे एक होता है कि अपना मंजिल तक जब पहुंच जाता है तो और ज़्यादा फील होने लग जाता है, वही हाल हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए पूजा घूमने के लिए। और एक दिन मैं गई थी पूजा घूमने, उसका मैं नहीं डाली हूँ अभी तक, बिकॉज़ अभी इतना डे का नवरात्रि का ही चल रहा था तो मैं वो नहीं डाल पाई। मैं सोच रही हूँ इसके बाद वाले ब्लॉग में उसको मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे ये 9th डे का है, 9th डे नवरात्रि का है। तो यहाँ पे हम लोग अब रेडी हो गया है, निकल रहे हैं। और इनका टीका पूरा फैल गया था तो मैं बोली कि इसको पोंछ देती हूँ, अजीब लग रहा है। और पूजा घूमने का क्रेज़ तो एक अलग ही होता है, बहुत ही अच्छा। बचपन का तो बात ही अलग है, बचपन में तो बहुत ज़्यादा होता है। अभी तो चलो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और काम वगैरह का प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो क्रेज़ थोड़ा कम हो गया है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, शादी जब नहीं हुआ था तो उसके पहले बहुत ज़्यादा क्रेज रहता था। मतलब एक महीना पहले से ही बहुत क्रेज रहता था, हाँ ये ड्रेस लेना है, वो ड्रेस लेना है, इस दिन वो पहनना है। सप्तमी अष्टमी नवमी हर डे का अलग अलग हम लोग ड्रेस लेते थे। तो अब तो चलो वैसा कुछ नहीं है, ड्रेस तो हम लोग अब हमेशा ही लेते रहते हैं। अब तो पूजा का शॉपिंग का कोई बात ही नहीं है। तो फिर भी अब हम लोग निकल रहे हैं तो अच्छा लगता है बाहर निकलने से। ऐसा इन्वायरमेंट देखो कि पूरा एकदम रौनक, पूरा दुल्हन जैसा तो सज जाता है एक शहर हम लोग का, पूरा दुल्हन जैसा। और बंगाल में दुर्गा पूजा का बात ही अलग होता है। और यहाँ पे मैं सिंपल सा एक जींस टॉप पहन रही हूँ पूजा वगैरह, मुझे यही मतलब दुर्गा पूजा में घूमने में यही अच्छा लगता है तो इसलिए मैं यही पहन ली मैं। और इनका मन है कि ऐसे हम लोग वॉक करके चलें, बाइक लेके जाने से ही बहुत प्रॉब्लम होता है तो वॉक करके मन था ऐसे। तो इसके पहले गए थे तो हम लोग बाइक से गए थे, तो बाइक बहुत देर बहुत दूर ही पार्क करना पड़ता है तो ऐसे वॉक हम लोग को करना ही पड़ता है बहुत। तो इनका मन था तो अब मैं कुछ बोली भी, मना भी नहीं की कि ना रहन दीजिए। अब मैं मन में आया था कि हाँ इनका ये फास्टिंग पे कैसे चलेंगे, तो मैं नहीं बोली कि पता नहीं क्या सोच के बोल रहे क्या सोच के, क्योंकि मैं मना नहीं कर पाती हूँ कोई चीज़ के लिए। तो अब ये खुद ही बताएंगे वॉक करेंगे, इनको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग कोई गाड़ी वगैरह बुक कर लेंगे आते टाइम। ये बोले कि तुम शूज़ पहन लो, सैंडल पहन के ज़्यादा दूर चल नहीं पाओगी, तो मैं यहाँ पे शूज़ पहन लिया। बेटी को भी बोले शूज़ पहना देना। और भाई का तो मन नहीं था जाने का, बहुत बिजी है भाई काम वगैरह में अभी, तो यही फोर्स किए थे बहुत कि गोपाल चलो चलो, तो फिर एक दो दिन ये लेके जा रहे हैं फोर्स करने पे। और यहाँ पे हालत देखिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, नवमी के दिन हम लोग सिर्फ 2 पूजा घूम पाए हैं, सिर्फ 2 जगह का पूजा, एक तो शक्तिगढ़ का और एक है इंस्टीट्यूट, बस ये 2 जगह सेंट्रल कॉलोनी का ही, 2 जगह का ही पूजा घूम पाए हैं। इंस्टीट्यूट को सेंट्रल कॉलोनी सेम है, 2 जगह घूम पाए। इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था कि क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा भीड़। यहाँ पे आप लोग का आइडिया मिल रहा होगा कितना भीड़ है, और आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि पंडाल से बाहर इतना ज़्यादा भीड़ है तो हम लोग अंदर तक कब तक पहुंच पाएंगे और कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, आइडिया लगा सकते हैं। तो अच्छा हुआ कि मैं मन्नत में मतलब बेटा को अपने बेटा को नहीं लेके आई, ना तो उसका क्या हालत, और बेटी को लेके आई थी उसको तो उसका तो पूरा एकदम हालत ख़राब हो गया। तो वो बोले मम्मा अब नहीं आऊँगी मैं, पूरा थक गई थी एकदम वो।
और इस पंडाल का पूजा ये शक्तिगढ़ का है। इस पंडाल का पूजा सोशल मीडिया पे है और यहाँ का मतलब हर समय कुछ अलग अलग ट्राई किया जाता है पंडाल में पूजा के लिए। तो जिसको जैसा समझ में आता है जिस क्लब में उस हिसाब से कैसा लगा इस भीड़ में से निकल के? बैंड बज गया बैंड। एक घंटा खड़े थे, एक घंटा। कैसा था पंडाल? कैसा था? बेकार। देखो बनाया। ना और फूल तो हमें आगे घर पे। ऐसे तो मेन दो पूजा देखे, ये रास्ता हम लोग क्रॉस कर रहे थे सुकांतोपल्ली मोड़ पे ही है ये पूजा। तो यहाँ पे भी हम लोग अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पे जो पहले सिंपल होता था इस पर अच्छा हुआ है पूजा, तो अच्छा लगा, इतना भीड़ भी नहीं है, अच्छा हुआ है बहुत ही। अब आ गए हम लोग इंस्टीट्यूट, जो ग्राउंड है जो सेंट्रल कॉलोनी है वहीं पे ये पूजा होता है। ये हम लोग का सिलीगुड़ी का नंबर वन पूजा है, यहाँ पे हर साल ये विनर होता ही होता है। और ये बनाया है एक महल, इतना गजब का, इतना मस्त इफेक्ट का गोल्ड, मतलब दूर से लगेगा कि एकदम गोल्ड का महल है, एकदम गोल्डन कलर का है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही। और मुझे मतलब यहाँ का ना सबसे अच्छा क्या लगा, इतना भीड़ है कि मतलब आप लोग को लग रहा है नहीं जा पाएंगे, बट यहाँ पे पुलिस वगैरह का प्रोटेक्शन इतना अच्छा था कि एकदम हम लोग स्मूथली एकदम आराम से पंडाल तक पहुँच गए। अगर नहीं रहता तो नहीं पहुंच पाए। जैसे शक्तिगढ़ का तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे जाने, बहुत देर वेट करना पड़ा हम लोग को लाइन में, बहुत देर। यहाँ पे इतना देर वेट नहीं करना पड़ा, हम लोग इजली एकदम अंदर चले गए। ऐसे लग रहा था कि हम लोग महल के अंदर एंट्री कर रहे हैं, या आप लोगों को भी लग रहा होगा देख के एक महल जैसा। जो मेरे सिलीगुड़ी के व्यूअर्स हैं उन लोग को चलो उन लोग लाइव देखा होगा, जो बाहर के होंगे उन लोग के लिए तो चलो बहुत ही बड़ा बात और अच्छा लग रहा होगा उन लोगों को मेरा ये वीडियो देख के। अगर आप लोगों को सच में ये मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये पूजा यहाँ का देख के।
और एक बार आप लोग भी सिलीगुड़ी आके ज़रूर घूमिए, दुर्गा पूजा बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को। अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, अब कहीं भी जाने का मूड नहीं है बिल्कुल भी, अब घर ही जाने का मूड है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग कुछ खाएंगे लाइट, ऐसे हेवी तो कुछ नहीं खाएंगे, जब तक इनका ब्रेथ है तब तक तो बाहर नहीं खाऊंगी। अब कल तो है ही ऐसे भी पारन इनका, तो टेंशन नहीं है कल के बाद। तो यहाँ पे देखती हूँ क्या मिलता है तो वो खा लेती हूँ, और बेटी का जो मैंने वो भी खिला दूंगी। और हम लोग आ गए यहाँ पे स्प्राउट्स होता है उसका चाट बनवाने, और रेस्टोरेंट में जाने से तो एकदम भी खाली नहीं मिलेगा, इसलिए सोचे हम लोग स्ट्रेट यहाँ पे जो चाट वगैरह होता है वही खा लेते हैं हम लोग। तो मैं बोली कि ये पापड़ी वगैरह मत डालिएगा, जितना स्प्राउट्स है वो और जितना खीरा आलू ये सब डाल सकते हैं। और यहाँ ये है नेक्स्ट डे का आपका, तो मैं इनके लिए पारन का तैयारी की थी खाना, तो मैं एक झलक दिखा पाई आप लोग को। और आज हो रहा है पूर्णिमा का कथा, मतलब माँ विसर्जन जिस दिन होता है उसी दिन माँ करवा देती है पूर्णिमा का कथा। तो चलो थोड़ा दिन का निश्चिंत हो जा रहा है, तो फिर एक दो दिन बाद फिर पूर्णिमा पढ़ने से फिर और ज़्यादा वो होता है। अब ये माँ का मर्जी, माँ क्या समझती है नहीं पता, मैं मुझे लगा ऐसा तो मैं बोल दिया आप लोग को। और इनका पारण के लिए मैं बनाई थी दाल चावल आलू का भुजिया लौकी का सब्जी, और भोग का जो चना आलू का सब्जी था वो रखी थी, दही था, चटनी था, आलू का चोखा था। और ये सब बोले सिंपल खाना बनाना, कुछ भी स्पाइसी मसाला वाला खाना मत बनाना, जिससे मेरे को फिर प्रॉब्लम होने लगे। और इतना दिन के व्रत के बाद सच में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और यहाँ पे पंडित जी आज ही पूर्णिमा कथा आरती वगैरह करने के बाद हम लोग को जई देंगे, और जितना सुहाग का सामान है वो सब भी देंगे, पंडित जी घर में भी जो जई जमा था वो भी देंगे हम लोग को। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं आरती, सत्यनारायण का आरती होगा। आवाज नीचे आवाज गला एकदम बैठ गया, आवाज नीचे आवाज अच्छा नहीं लगता है। अरे सीमा का ना जा रही है, कर सी साड़ी तो पहन के जाना ही पड़ेगा मंदिर, सिंदूर लगाने, माता रानी का सिंदूर तो चाहिए। मतलब मेरा कलश का तार टूटा हुआ था पहले, चप्पल भी गिरा, अच्छा नहीं के बनाई हम बांध दे रहे हैं आप तो नहीं बांध रहे ना, बांध बांध देते हैं अच्छा बहुत जरूरी है, कल नहीं बांधना चाहिए हवन से पहले। मंदिर मंदिर बोली राजा दान मंदिर वहां वाला तीन बार अच्छा काल पंडित जी कितना आदमी के पंडित जी काल पंडित में कोई आदमी के बार अच्छा ना सुमी चाची बनवाई छे, हां सुमी चाची बनवाई, वो पंडित के बेटी है ना, उनका पास कुछ कुछ ज्ञान है। यहाँ पे चाची जी आ गए कथा के लिए, तो एकदम ठीक टाइम पे आई है, अभी आरती भी स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी हम लोग रक्षा वगैरह भी बनवा रहे थे, तो अच्छे टाइम पे आ गए कि चाची जी भी रक्षा वगैरह बनवा लेगी, जय वगैरह ले लेगी, सुहाग का सामान भी वो भी ले लेगी। और तिलक पंडित जी लगा रहे हैं, जिसको नहीं लगा था, हम लोगों को तो लग चुका था, चाची जी को नहीं लगा था। माता रानी का बुद्धि सो गाइस मैं ब्लॉग के एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय।